बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का एहसान है। और आज मैं बना रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, कीमा करेले, ठीक है। और बाकी इसका सामान है, ये मैंने कीमा लिया है 3 पाव, आधा किलो करेले हैं, ठीक है। और ये एक पाव से कम टमाटर हैं, 3 अदद मैंने प्याज ली थी, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक लिया है, और ये 2 टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्चे हैं, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टेबल स्पून नमक है, और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, और ये 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ठीक है, 4 से 5 अदद। और ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ करेले, पहले हम करेले फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, और बहुत मज़े के बनते हैं भरे हुए करेले जो होते हैं ना, फिलिंग करके बहुत मज़े के बनते हैं, और मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसी की फरमाइश पे आज ये करेले बना रही हूँ, ठीक है। और बस ये फ्राई हो जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारे करेले जो है ना ब्राउन हो चुके हैं, फुल ब्राउन हो गए हैं, बस अब मैं इनको निकालूंगी, ठीक है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो है ना ये गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने इसमें सारे प्याज डाल दी है, ठीक है। अब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपको आगे इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारी प्याज लाल हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें कीमा ऐड करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमने इसमें कीमा ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इसी में हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टेबल स्पून, ठीक है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और करेले प्याज में जो है ना कीमा करेले प्याज कीमे में करेले में प्याज ज़्यादा डलती है थोड़ी बहुत, और इसी में फिर बहुत मस्त टेस्टी लगता है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं नमक ऐड करूँगी, नमक थोड़ा कम डलेगा क्योंकि करेले जो है ना थोड़े से कड़वाहट होती है, लेकिन मेरे हाथ के तो खैर इतने नहीं होते कड़वे। और ये देखो, ये 2 टेबल स्पून जो मैंने मिर्चें ली थी ये बोल हैं, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, कीमे को आराम से अच्छे से भूनेंगे हम, ठीक है। ये देखिए, और फिर मैं आपको भूनने के बाद दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और अब मैं इसमें ये टमाटर जो हमने लिए थे, ठीक है, ये ऐड करूँगी हरी मिर्च और टमाटर। तो अच्छे से मैश करके मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये टमाटर इसमें अच्छे से हल हो जाए, ठीक है। ठीक है, फिर इसको हम 5 मिनट के बाद देखते हैं, फ्लेम भी हम थोड़ा स्लो करेंगे, ठीक है। देखें इतने फ्लेम में हम इसको जो है ना दम लगाएंगे टमाटरों को, ताकि अच्छे से मैच हो जाएंगे और कीमा भी अच्छे से भून जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें हमारा कीमा तैयार हो गया है, ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको देखें कितना ज़बरदस्त बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा यमी यमी लग रहा है, यमी सा। अब हम इसको करेले में फिलिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें करेले जो हमने फ्राई किए थे ये वो करेले हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा कीमा डालेंगे और इसको हम फिल करके इसको हम बांध देंगे धागे से। और अनस को ये बहुत पसंद है, पहले मैंने बनाया था तो उसमें मैंने धागा नहीं बांधा था, तो बस इसको जो ना लग रही थी कि मम्मा मुझे आप धागे वाले बना के दें, ठीक है ना। ये इस तरह हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखें हम ये हमने धागा लिया है, ये देखो
हम इसमें धागा बांध लेंगे। जी फ्रेंड्स ये देखें हमने इसमें पूरे में फिल करके और हमने इसमें धागा बांध लिया है, ठीक है। ये देखें बाकी मैं अब इसमें सारे इसी तरह फिल कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स ये देखें मैंने इन सब में फिलिंग करके धागा बांध दिया है, देखें आप माशाल्लाह सब में कीमा भर के मैंने इसमें धागा बांधा है, ठीक है। अब हम इसको कीमे में डाल रख देंगे कीमे के ऊपर और दम लगा देंगे 10 मिनट की। जी फ्रेंड्स ये देखें कीमे में हमने ये रख दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे, ठीक है। और 10 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ, ठीक है। कहीं नहीं जाइएगा, साथ ही रहिएगा। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा प्लीज़। जी फ्रेंड्स ये देखें हमारा कीमे में दम लग चुका है और ये देखें हमारे करेले कीमा तैयार हो गया। आइए मैं इसको प्लेट में आपको डिश आउट करती हूँ। जी फ्रेंड्स कितनी यमी यमी टेस्टी, बिल्कुल यमी सी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ठीक है। अब हम इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, देखें कितना प्यारा और यमी कलर आया है, ज़बरदस्त। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजीली रेसिपी है। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।